आपको अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आना ही नहीं चाहिए था। चलिए वापस। वो तो अच्छा हुआ एसआरएच जैसी भली टीम ने 12 रन एक्स्ट्रास में दे दिए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मार्को जेंसन भाई ये क्या था? ये क्रिकेट नहीं है मेरे भाई, ये वॉयलेंस है, वॉयलेंस। 21 साल के यंग क्रिकेटर है ना, भूल गए होंगे बेचारे। इत्तू सा मैच, इत्तू सा, मतलब मैच रिव्यू के नाम पे करूं क्या? फोटो डाल दूं स्कोर कार्ड का इधर जाने मन। आरसीबी फैंस के लिए पर 2 मिनट का मौन रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आरसीबी फैंस दिखाई नहीं दे रहे आज? ओ, मिठाई बांटने गए होंगे, आरसीबी फॉर्म में आ गई ना वापस। आरसीबी ने यार तुम लोग की हेल्थ का ध्यान रखते हुए बोला था कि यार तुम सुबह वाला मैच, गुजरात वाला मैच देखते देखते थक गए होगे, सो जाओ ब्रो जल्दी। 40 आवर्स का गेम 24 आवर्स का कर दिया भाई। जो लोग भाई लाइव स्टेडियम में मैच देखने गए होंगे। ये केन विलियमसन है या लक मूवी का संजय दत्त? टॉस ही नहीं हारता, 7 में से 7 टॉस जीत चुका है। आई थिंक एवरीबॉडी हैज देयर ओन स्ट्रगल, सबका स्ट्रगल अलग होता है। डिफरेंस ये है कि जहां हमारे सपने पूरे होते हैं वहां इनका स्ट्रगल शुरू होता है। विलियमसन भाई का मस्त रूटीन है, रोज ग्राउंड में आते हैं, स्माइल करते हैं, टॉस जीतते हैं, अपने बॉलरों से सामने वाली अपोनेंट्स के बैट्समैन की फाड़ देते हैं और खुद टेस्ट नॉक खेल के मैच जीत जाते हैं। अलग ही लेवल का कॉम्पिटिशन चल रहा था भाई कल आरसीबी के बैट्समैन में। 3 बॉल लेगा 0 पर आउट होने के लिए, हम भी बना लेंगे। मैं तेरे से 1 बॉल कम लेके 0 पर आउट हो जाएगा, हम भी बना लेंगे। हाँ तो मैं तेरे से भी 1 बॉल कम लेके 0 पर आउट हो जाएगा। जीत गए विराट भाई सबसे। छोड़ना यार, कुछ और बात करते हैं। और जब ये डक मारने का खेल चल रहा था, निकोलस पूरन भाई हमारे 4 दीवारों दूर से ताड़ रहे थे। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। और यार ये जो सबका मिला के कंट्रीब्यूशन था ना, कि इतने बॉल पे 0, इतने बॉल पे 0, निकोलस पूरन भाई अकेले अचीव कर चुके हैं, हर बॉल पे 0 मार चुके हैं। भज्जी पाजी ने भी तो ट्वीट किया था ना, मुझे आज फीलिंग आ रही है कि विराट कोहली का दिन बहुत अच्छा होगा और वो अपने क्रिटिक्स को एक स्ट्रॉन्ग गेम से मुंह बंद कराएगा। मेरे जैसा बनने का शौक है, मेरे जैसा बनने का शौक है। असरंगा और हेजलवुड ने फॉलो ऑन बचाने की पूरी पूरी कोशिश करी, पर कल तो एसआरएच का ऐसा था ना भाई, जिस बॉलर को भी लाते वो विकेट ले जाता, निकोलस पूरन को लाते वो 2 विकेट ले जाता। उमरान मलिक 150 की स्पीड में बॉलिंग कर रहा था, हमने बोला इनकी ऑलरेडी फट चुकी है, 130 की स्पीड पर भी विकेट दे रहे हैं, तुमको क्यों शोएब अख्तर का 14 बनना है? ये तो वही बात हो गई, कोई थप्पड़ से मर रहा हो और तुम AK-47 ला रहे हो। हम तो खुद सेकंड स्पेल कराने आए, तब पता चला ERCB वाले तो सारे डगआउट में बैठ के मैगी खा रहे हैं, हमको 2 ही ओवर मिला पूरे मैच में। दोस्तों 20 सेकंड की बात, अब एकदम ध्यान से सुन लेना, तुम्हारे फायदे की चीज है। जो हम लोग माई 11 सर्कल पे डेली टीम बना रहे हैं, माई 11 सर्कल लाया एक और बेहतरीन ऑफर तुम्हारे लिए, यानी कि हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए 100% कैश बोनस। यानी अगर तुम 100 रुपीज एड करते हो अपने माई 11 सर्कल वॉलेट में, तो तुमको 100 रुपीज माई 11 सर्कल की तरफ से मिलेंगे एज अ बोनस, कोड April1000B यूज करने पे। इसको मैक्सिमम 1000 रुपए तक तुम लोग यूज कर सकते हो, यानी कि 1000 रुपए एड करोगे तो 1000 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, यानी 2000 हो जाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ माई 11 सर्कल का, जैसे ही तुम क्लिक करोगे तुमको ये वाला ऑफर सामने दिख जाए। तो जल्दी करना भाई, क्योंकि ये काफी लिमिटेड लोगों के लिए। कल केवल भूवी भाई के साथ नाइंसाफी नहीं हुई, बल्कि मैच इतना छोटा था कि आरसीबी के 5th बॉलर को आने का भी मौका नहीं मिला। अभिषेक शर्मा ने भी 2 रन कम बना के आरसीबी की रिस्पेक्ट रख दी कि छड्डो फिर तुमको पुराना पास्ट याद आ जाएगा। काफी लेजेंड्स थे यार उस टाइम पर तो आरसीबी के पास, केदार जाधव, स्टुअर्ट बिनी, अब तो लग रहा है 49 भी कैसे बन गए थे। भाई मेरे को सबसे इरिटेटिंग और चूतिया लोग वो लगते हैं ना, जो कि मार्को जेंसन को जाके गाली दे रहे हैं कि तूने विराट कोहली का विकेट कैसे ले लिया। ये स्क्रीनशॉट तुम खुद रोक के पढ़ लेना। ये 5वीं फेल लोगों को कहां से अंबानी जी ने इंटरनेट हाथ में दे दिया यार। इनको लगता है ना भाई ऐसा करने से ये बहुत बड़े विराट के फैंस दिखेंगे। भाई विराट भाई ने देख लिया ना, तुमको खुद जूते मारने आएंगे। मतलब क्या ही लॉजिक है भाई, वो 21 साल का यंगस्टर बेचारा 3 विकेट लिया, उसको कांग्रेचुलेट करने की बजाय उसको गाली दे रहे, ए तेरी हिम्मत कैसे हुई विराट का विकेट ले लिया। लास्ट ईयर आवेश खान के साथ भी यही हुआ था, उसने अपने इंस्टाग्राम के कमेंट्स ऑफ कर दिए थे, और इसलिए नहीं कि उसने बहुत गंदा परफॉर्मेंस किया था, बल्कि माही, कोहली और रोहित शर्मा का विकेट ले लिया था और लोग उसको गाली दे रहे थे। और फैंस भी नहीं बोलूंगा यार मैं इन लोगों को, फैंस ऐसे कब से होने लगे, रिटार्डेड मेंटल लोग है भाई ये, फैंस नहीं है। तुम्हारा तो नाम वैसे ही खराब है भाई, इंडिया का नाम क्यों खराब कर रहे हो यार? बाहर के प्लेयर्स क्या सोचते होंगे हमारे बारे में सब करोगे तो। भाई दिनेश कार्तिक जब तक नहा के बाहर आते सब लोग पवेलियन आ चुके रहते कि तुमको तो एबीडी विलियर्स की जगह लिए, सारे रन तुम्ही को बनाने हैं। डीके हर बार थोड़ी ना बचाऊंगा, भरोसा करो भाई, कैप्टनसी छोड़ दी तो बैटिंग फॉर्म वापस आ जाएगी। आखिर आपने सबने मिलकर मुझे भी अपना जैसा बना दिया। रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, जो रन मारेगा उसकी मांगी। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। आशीष नेहरा, फैन के चूत तुम्हारी, 23 अप्रैल को हमारा मैच क्यों रखते हो यार? यार ये 23 अप्रैल का फंडा किस किस को पता है कि नहीं पता। अनुष्का शर्मा, व्हेन विराट कोहली कम्स आउट टू बैट। हेलो भाई साहब, विराट कोहली फैंस आ गया, विराट आ गया। लिंक्स, अरे किधर गया? यही तो था। SRH RCB टॉप ऑर्डर, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। काव्या मरन राइट नाउ, यान से नटराजन, सुचित, उमरान मलिक, काव्या घुस के मारेंगे। कोहली गोज टू बैट, RCB डगआउट।
only since few innings. आता है, जाता है और फिर वापस आ जाता है. No one, literally no one. RCB soon, all out. Vintage RCB form is back. बड़ी जानी पहचानी महक लग रही है. RCB 68, SRS 72. RCB fans बिल्कुल ही time बर्बाद किए आपने, आपका भी हमारा भी. भाई यार 40 hours का match बोल के 24 hours का match दिखाया गया दोस्तों. RCB crossed 49 runs. ना चुप है. आफ्टर बैक टू बैक गोल्डन डक विराट कोहली, सबको आती नहीं मेरी जाती नहीं. छोटी बच्ची हो क्या? कुछ नहीं भाई, मैच जल्दी खत्म हो गया इसलिए अनुपमा देख रहा हूँ. भगवान इतने बुरे दिन किसी को ना दिखा. आरसीबी ऑन 23 अप्रैल 263 टोटल, 49 टोटल, 68 टोटल कैलेंडर. सुना क्या, ये भी मेरी गलती है. ये था फंडा 23 अप्रैल का. आरसीबी 68 ऑल आउट, विंटेज आरसीबी. देखा भाई आरसीबी के चर्चे, कम रन पे आउट होने पे भी विंटेज आरसीबी लिखाया जाता है. कोहली एंड रोहित कंडीशन राइट नाउ, हम हकते हैं, हमें मजा आता है, हम और हकते हैं, हमें और मजा आता है. कॉन्ग्रेचुलेशन, ओल्ड आरसीबी टीम इज बैक. आरसीबी फैंस राइट नाउ, जाने नहीं देंगी तुझे. MICSK 10th 9th पोजीशन, SRH 2nd पोजीशन. SRH तो ऊपर ही चढ़ते जा रहा भाई. RCB 68, RCB फैंस, ये तो टट्टी है. Finally a century for King, 100. Another day for thanking God for not making me a RCB fan. Can RCB pull off a Namibian style victory? Let's go RCBs. अच्छा, युगांडा वुमेन्स टीम को 40 पर ऑल आउट कर दिया था भाई कल. ये जलवे RCB दिखा सकती थी, बहुत खतरनाक टीम है. RCB टीम ऑन अदर डेट, RCB टीम ऑन 23 अप्रैल. भैया माफ करो, इस डेट पे हमें खेलना ही नहीं है. भाई जो IPL के शेड्यूल बनाता है उसको पता है क्या ये चीज, हमेशा 23 अप्रैल को रख देता है RCB का मैच. क्रेट बाउंटी खेलो, लास्ट डेट लॉन्गर देन RCB बैटिंग लाइन अप. क्रेट बाउंटी लगता है तुम्हें मुझसे भी जल्दी है. भाई एड से ज्यादा छोटी RCB की इनिंग्स थी. अरे यार मुझे लगा वो तानसेन है, गाना वाना गाता है. When a commentator become a memer. आज माई 11 सर्कल की टीम में मैंने विकेट कीपर में तीनों कीपर ले रखे, भले फॉर्म में ना हो. ईशान किशन को भी ले रखा है, क्विंटन डिकॉक को भी और केएल राहुल को भी. बैटिंग में मैंने लिया शर्मा जी को, अगेन फॉर्म में नहीं है बट मेरी बहुत फट्टी भाई शर्मा जी से, कभी भी चल पड़ेंगे और मारेंगे बहुत. और सूर्य कुमार यादव. ऑलराउंडर में मैं ले रहा हूँ कृणाल पांड्या, होल्डर स्टॉइनिस और ब्रेविस को. बॉलिंग में मैं ले रहा हूँ बुमराह और आवेश खान. कैप्टन में बना रहा हूँ केएल राहुल को और वाइस कैप्टन बना रहा हूँ मार्कस स्टॉइनिस को. बस यार आज के वीडियो को लेते बाकी सीता भाई, मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो और भाई को मत भूल जाना यार. गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क. We'll be right back.